इतना होने पर भी कभी साधना करने पर भी साधना का फल नहीं मिलता, ये क्या कारण है? जो शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं होता, और गुरु के प्रति समर्पण जिसका ना हो उसको साधनाओं में सिद्धि नहीं मिलती, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है कि गुरु को अपने शिष्य को पवित्र करना पड़ता है, शिष्य को ऐसा तैयार करना पड़ता है कि वो किसी भी रूप से सिद्ध नहीं हो रहा, कितनी साधनाएं बोलो, कितना गुरु मंत्र बोलो या उसकी साधनाएं करने के बाद भी, क्योंकि उसकी शरीर शुद्ध है, उसके पंचभूतात्मक शरीर में आंखें शुद्ध है, न उसका खाना खाया हुआ खाना शुद्ध है, न सुनने वाले कान शुद्ध है, न बोलने वाला मुंह शुद्ध है, इस प्रकार पंचभूतात्मक विधि से वह जो कार्य कर रहा है वह शुद्ध नहीं है, और जब तक शुद्ध नहीं है शुद्धता नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं पानी शुद्ध हो पीते हो तो कोई बीमारी नहीं है, अशुद्ध पानी पीने से बीमारियां आती हैं, अशुद्ध हवा पोल्यूशन भरे हवा को हमें देने से हमारे को बीमारियां आती हैं, अग्नि में ऐसा कोई धुआं आ जाए जिस धुआं को लेने पर हमारे को बीमारियां आ जाती है। तो यह सबकी सबसे श्रेष्ठ क्या कहा है कि तुम शुद्ध हो जाए, तुम्हारे में शुद्धि हो तो तुम कुछ भी पात्र को ग्रहण कर सकते हो। मैले पात्र में अन्न भी नहीं पकता और पकता है तो भी खराब हो जाता है, मैले पात्र में दूध भी डालो तो दूध खराब हो जाता है। तो हमारा शरीर एक पात्र है, उस शरीर को हम किस प्रकार शुद्ध करें, और शुद्ध बनाने के बाद गुरु अमृत रूपी अपने वाक्य अपने मंत्रों को शिष्यों में डालता है, तो वह शरीर उस मंत्रों को ग्रहण करते हुए गुरु के कहे हुए बातों को ग्रहण करके अपने शरीर में उतार सके, और उतारने के बाद उसको वो स्थिति मिल सके, वो ज्ञान मिल सके, वो उजाला मिल सके, वो प्रकाश मिल सके। इसके लिए गुरु, इसके लिए शिष्य को क्या करना पड़ता है? गुरु बहुत प्रयत्न करता है कि तू इस प्रकार की साधना कर, इस प्रकार का मंत्र कर, ये तू इस प्रकार रह जा, ये सारी बातें बोलते हैं। अब हमारे पास भी बहुत सारे लोग, फर्क क्या होता है कि हम गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं, जहाँ गंगा किनारे बैठे हुए लोग हैं वो लोगों को पूछो जाकर गंगा में नहाते भी नहीं, कभी कभी 8-10 दिन को 15 दिन को जाकर नहाते हैं, और हम दूर से जाकर गंगा नदी में नहाते हैं, अपने आप को पवित्र अनुभव करते हैं। तो ये हमारी भावना है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, और ये भावना को जब हम अपने सामने रखते हैं उसी प्रकार मंत्र में भावना, अपने गुरु में भावना, और अपने श्रेष्ठ जीवन में भावना रखना। और ये भावना कब आती है? जब तुम पवित्र हो, आंखों से, शरीर से, वाक्य से, बुद्धि से, मन से, तुम जब पवित्र हो तो तुम इन सारी चीजों को अपने आप में ले सकते हो, और जब यह नहीं है तो तुम जितना प्रयत्न करने पर भी तुम्हें उस चीज को प्राप्त नहीं हो सकता, तुम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब केवल आपको एक वर्ण आता है कि आप समर्पण करते समय आप अपने गुरु को प्रेम करते हैं, अपने गुरु को बहुत चाहते हैं, तब गुरु का कर्तव्य बनता है कि मेरे शिष्यों को मैं शुद्ध करूँ, मैं उनको अमृत में जीवन प्रदान करूँ, उनके जीवन में उनके जीवन में एक श्रेष्ठ शुद्धता देने के बाद मैं ये बात कर सकूं कि वो मेरे देव में मंत्रों को, साधनाओं को और गुरु प्रदत्त आशीर्वाद को भी ग्रहण कर सके। आशीर्वाद ग्रहण करना भी बहुत बड़ी बात है। आपके चित्त में अगर गुरु के प्रति एक निष्ठा नहीं है, भाव नहीं है, तो गुरु कितना भी आशीर्वाद दे आपके पास आशीर्वाद अब तक नहीं पहुंचता। उसी तरह आप अपने पास अधिक हैं तो श्राप भी नहीं पहुंचता, श्राप दिया भाव भी नहीं पहुंचता तो और आशीर्वाद भी नहीं पहुंचता, तो क्या पहुंचता है? गुरु के श्राप में अग्नि का निर्माण होता है, अग्नि सभी को जला देती है, और गुरु के आशीर्वाद में वो ठंडापन होता है जो हम इसे प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारा शरीर अगर उस ठंडेपन को ग्रहण नहीं कर सकता, और उष्ण है, गर्म है, क्रोध है, भावनाएं हैं, ऐसी भावनाएं जो हमारे को नष्ट करने वाली है, तो उसका आशीर्वाद भी तुम्हारे तक नहीं पहुंचता। उस समय गुरु को एक कार्य करना पड़ता है, वो कार्य है उसको अपने अभिषेक मंत्र से उसको धो देना, उसे शुद्ध करना। उसे जब शुद्ध कर देता है, अंतर मन की शुद्धि करता है, तब गुरु का कुछ भी दिया हुआ उसको प्राप्त होता है। तो कालखंड के अनुसार गुरु जी ने कहा था कि वर्ष के आखिर में जब सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे महीने
अपने कालखंड को हमने निर्णय किया है कि हमारे 365 दिन का एक वर्ष है, उस वर्ष को नाम दिया है और उस वर्ष को जाने के बाद दूसरा वर्ष आएगा। हिंदू संस्कृति में 60 वर्षों का एक कालखंड है, 60 मिनट है, 60 सेकंड है। हम उन्होंने भी नहीं किया, अंग्रेज भी जब यहाँ आए तो उनको इसका ज्ञान भी नहीं था कि इस काल का निर्णय या काल का ज्ञान कैसे करें। काल का ज्ञान तो उन्होंने हमारे से सीखा। कैसा सीखा? हम रविवार कहते हैं, वो भी संडे कहते हैं, सन का होते सूर्य का, मंडे कहते हैं मून का डे, हम सोमवार कहते हैं, ट्यूजडे कहते हैं, थर्सडे कहते हैं, वेजडे कहते हैं, फ्राइडे कहते हैं, सैटरडे का डे सैटरडे कहते हैं। तो उन्होंने हमारे कालखंड को लेकर बारों का निश्चय किया, हमारे कालखंडों को लेकर 60 मिनट लगाए, हमारे ही 60 वर्षों का एक पुरोधा, और हम हर वर्ष को एक नाम देते हैं और उन्होंने हर वर्ष को एक नंबर दिया, हम जबकि हम वर्ष को नाम देते हैं। तो इस कालखंड को करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये हिंदू संस्कृति इतनी बड़ी है कि हम उसके ऊपर कोई राज्य चला ही नहीं सकते। तब उन्होंने अपने वर्षों को बदल दिया, उन्होंने उस उन वर्षों को बदलते हुए कहा कि वर्षों के कालखंडों को, और हमारे पास 200 वर्षों तक अंग्रेजों के पालन करने से हमारा कालखंड बदल गया, हम हिंदू कैलेंडर को भूल गए, हम इंग्लिश कैलेंडर को, नहीं कालगणना इंग्लिश कैलेंडर से होने लगी। तब गुरु जी कहते हैं तुम जिस काल के अधीन हो गए हो, मैं उसी काल का अंतिम दिन लेता हूं और उस अंतिम दिन के दिन तुम्हारी की हुई इतने साल तक की जो विधान है, जो तुम्हारा पाप पुण्य जो भी सच्चे है उसको खत्म कर देकर एक नया वर्ष आरंभ करता हूं। इसलिए हमें आज इस 31 दिसंबर को लेते हुए, कालगणना के काल को, महाकाल के काल समय को लेते हुए, हमने अपने चालू वर्ष, हम अपना जन्मदिन भी लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, हमारा कोई भी कार्य करके तो इंग्लिश में लिखते हैं। तो कालगणना गुरु ने युग के अनुसार इसको ही लेते हुए इस 31 दिसंबर को आखिरी दिन लिया और नूतन वर्ष को जनवरी के फर्स्ट से ही लिया। तो हमें इसके अनुसार क्या करना, आपको शुद्ध करना है। आपको शुद्ध इसलिए करना है कि अगला आने वाला वर्ष, जो आज तक इस वर्ष में या गत वर्षों में आपने जो भी गलतियां की, जो भी पाप किया, पुण्य किया, जो भी किया है, गुरु चाहते हैं कि उसको, उन पाप पुण्यों को धो दें, धोने कर तुम्हें एक श्रेष्ठ व्यक्ति तो बनाए, कम से कम आने वाला वर्ष को तुम्हारे लिए सफलतापूर्वक हो और श्रेष्ठ हो। अब हम क्या करते हैं, कालगणना के अनुसार तुम्हारी राशि वृश्चिक है, तुम्हारा नक्षत्र वो है, तुम्हारे को ये साल अच्छा नहीं है, तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं है, लेकिन गुरु एक ऐसा तत्व है, वह तुम्हारे दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदलता है, तुम्हारे ब्रह्मलिखित ग्रहों के चक्कर को भी बदल देता है। गुरु में ये शक्ति है, इसलिए गुरु चाहता है कि उसको एक ऐसे अभिषेक से पुरस्कृत करें, ऐसे अभिषेक से श्रेष्ठता उसको प्रदान करें कि उसको आने वाला वर्ष जो बुराइयां उसके ऊपर आने वाली, ग्रह उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालने वाले, राशियां उनके ऊपर दुष्प्रभाव डालने वाले, या फिर उसके ऊपर शत्रु बाधा हो रही है, तो इन सारी चीजों को या तो वो सहन कर ले या तो उसका उसके साथ लड़कर विजय प्राप्त करे। इस प्रकार करने के लिए उसके शरीर को सुदृढ़ बनाते हुए उसको आने वाला वर्ष एक सुंदरतम हो, श्रेष्ठतम हो और सफलतादायक हो, इसके लिए गुरु इस रात में उसको उस उन पापों को धोते हुए नए वर्ष का आह्वान करते हुए उसको एक श्रेष्ठता प्रदान करता है। तो क्या आपको लगेगा कि ऐसा अपने पूर्व काल में किसी ने किया, कोई ऐसा हो सकता है? तो हमारे पास हजारों उदाहरण है जिसको अच्छे गुरु मिले। आपको पता है सबसे इस कलयुग में एक नया इतिहास रचकार या चरित्रकार आप अगर कह सकते हैं तो कौटिल्य चाणक्य, जिसको नंद राजा ने अपमानित किया था, वो तंत्र क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ थे। चाणक्य तक्षशिला के प्राध्यापक भी थे, वहीं पढ़े, वहीं प्राध्यापक हुए, वहीं आचार्य हुए और वहां से आए। जब उन्हें लगा कि समाज दूषित हो रहा है, उसको सुधारने की उन्होंने बहुत कोशिश की, नंद राजा को बहुत समझाने का कार्य किया, लेकिन नंद राजा नहीं समझ रहे थे। वो कहते कि तुम ब्राह्मणों, तुम्हारे विधान के साथ तुम आपकी रचना करना चाहते हो और मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। उन्होंने उनका अपमान कर दिया, उनके ज्ञान को लेने से उन्हें इनकार कर दिया।
तब जब चाणक्य उस अपमान को लेकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि हे जनानंद, हे राजा, तुम्हें वचन देता हूं कि मैं इस समाज को बदल के रखूंगा। तुम्हें बता दूंगा कि आचार्य में एक तांत्रिक में एक तंत्र क्षेत्र में क्या क्या श्रेष्ठता होती है, उसका क्या उसके गुण होते हैं और उसको समाज को और संसार को बदलने की कैसी क्षमता होती है, मैं तुम्हें बदला दूंगा। वो इस विचार के साथ बाहर है। आपको पता है वे बाहर आए, चिंतित होकर अपने ग्राम में घूमने लगे, इधर उधर जाने, वही चिंता थी कि मैं आगे किस तरह करूं। तो उनको गली में खेलने वाला छोटा सा लड़का दिखा, जिसको उन्होंने देखा और ये निर्णय लिया कि मैंने जिस मुहूर्त में उस लड़के को देखा है, मैं उसको सम्राट बनाऊंगा, चक्रवर्ती बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। यह चाणक्य एक गुरु के नाते, तंत्र के नाते उन्होंने अपना निर्णय लिया। तो उस बालक का हाथ पकड़े और कहा कि तू कहां का रहने वाला है? जिसने कहा मैं इसी गांव में रहता हूं, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ है, माँ का नाम मुरा है और हम उनके वंशस्थ रहने का उनको बाद में मौर्य वंशीय कहा गया। वो उनके माता के पास गए और चाणक्य ने कहा कि हे माँ, तुम चाहती हो कि देश सुधरे, देश अच्छा हो? तो कहती हाँ ठीक है, तो मुझे एक वचन तुम दो, मुझे तुम्हारे पुत्र को मुझे सौंप दो। उस माँ अपने पुत्र को एक सन्यासी, एक जो शादीशुदा नहीं है, पूछने उसको कौन देगी? उनकी माँ ने कहा मैं मेरे पुत्र को, मेरे को एक ही अकेला पुत्र है, पिता नहीं है, मैं तो उसको नहीं दूंगी। चाणक्य उस पुत्र को साधने के लिए उसके माँ के पास कम से कम एक महीने तक घूमते रहे कि तू तेरे पुत्र को मुझे दे दे। उसने कहा तुम इस पुत्र को क्या करना चाहते हो? तू देख, तू मुझे सौंप कर तो देख, इस मिट्टी के कण को मैं हीरा ना बना दू तो कहना, मैं इसको साम्राज्य का राज्याधिपति बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। माँ को नहीं लगा कि ये मेरा छोटा बच्चा गली में खेलने वाला, जो न कोई राजवंशी है ना कुछ है, इसलिए राजा कैसे बनेगा? चाणक्य ने कहा माँ तो मुझे देख तो देख कर तो देख। बहुत समझाने के बाद उस चंद्रगुप्त को माँ ने चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य यह विधि जानते थे कि उस बच्चे को किस तरह आगे बढ़ाना है। उन्होंने पहले चंद्रगुप्त को शाम्भवी दीक्षा प्रदान की, बाद में उन्होंने उसको राज्याभिषेक दीक्षा, साम्राज्याभिषेक दीक्षा, चक्रवर्तीत्व दीक्षा, पूर्णत्व दीक्षा और अमृतोत्थापन दीक्षा, ऐसी दीक्षाएं देकर उसे पवित्र किया, अपने गुरु के प्रति निष्ठावान बनाया, अपने गुरु के प्रति निष्ठावान बनाया। सारा इतिहास जानता है जिसको यह दीक्षा उन्होंने प्रदान की। चाणक्य तांत्रिक थे, ब्राह्मण थे और तक्षशिला के प्राध्यापक और आचार्य थे। उन्होंने जिसको ये शिक्षा दिया और अपने शिष्य को सम्राट बनाकर ये छोड़े कि हमारा इतिहास बताता है, हमारा इतिहास बताता है कि सामान्य व्यक्तित्व को पूर्णत्व प्रदान करने वाली की दीक्षा, इसे शिष्याभिषेक दीक्षा या शाम्भवी दीक्षा या अमृतोत्थापन दीक्षा कहा गया है। ऐसी दीक्षा में हमारे इतिहास का हमारे सामने, क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो जीजामाई के पुत्र थे, जिनके पिताजी मुगल दरबार में एक सेना नायक थे, यह कल्पना के बाहर था कि कहीं एक सेना नायक का लड़का कलकत्ते छत्रपति होगा या चक्रवर्ती होगा? जीजाबाई के पास जो एक आचार्य रहते थे जिनका नाम कोंडदेव नाम से जाना जाता है, बाद में इतिहासकारों ने उसको बदल दिया, बाद में लोगों ने नाना बातें कही या नाना बातें करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जो साम्राज्य के स्थापक जीजाबाई के रहने के कारण जीजाबाई ने जब शिवाजी महाराज का की कुंडली बताई, कहा कि ये भी इसके पिता तो सेना नायक है ही है मुगल दरबार में, इसका क्या होगा? कोंडदेव ने कहा कि जो कष्ट हम अनुभव कर रहे हैं, इस कष्टों का निवारण करने वाला अगर शिवाजी होता है तो बहुत अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा? और कोंडदेव ने उनके जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि इस संसार में हनुमान जी के भक्त और हिंदुत्व के प्रति आचरणबद्ध माँ स्वामी समर्थ रामदास हैं, अगर इनको दीक्षा युक्त किया जाए
इनको राज्याभिषेक दीक्षा दी जाए, अमृताभिषेक दीक्षा दी जाए और इनको श्रेष्ठता प्रदान करें। तो यह राजा बनकर हिंदुत्व का, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला क्या हो सकता? किसी को नहीं मालूम और किसी साहित्य में इस रहस्य को किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि उस आचार्य ने जो उनके घर के पास थे उनको क्या ये दीक्षाएं प्रदान की गई, ये दीक्षाएं दी गई। आप एक बात सोचो, उतना बड़ा मुगल राज्य था, शिवाजी एक मामूली सेना नायक का लड़का था। हम अगर 10 लोगों को एक बार इकट्ठा करके अपने आकर्षण में रख ले, हम जैसा कहें वैसा सुनने के सुनने को बाध्य करें, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन शिवाजी दीक्षित होने के बाद उन्होंने 10 या 100 लोगों के साथ एक छोटी सी सेना तैयार की। उस 10 और 100 लोगों के साथ उन्होंने राज्य की स्थापना और वह सैनिक वो उनके साथ जो थे वो शिवाजी पर मर मरने के लिए तैयार थे। ऐसी क्या क्रिया थी कि जो शिवाजी के ऊपर इतने मर मिटने वाले हुए? ऐसी कौन सी क्रिया थी? तब तो बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे योद्धा थे, क्या उनके आकर्षण में भी जा सकते थे? लेकिन शिवाजी के आकर्षण में क्यों गए? ऐसी कौन सी क्रिया हुई? उनके गुरु ने जो क्रिया करवाई उसे अमृताभिषेक दीक्षा या शाम्भवी दीक्षा या साम्राज्याभिषेक दीक्षा कहा जाता है। जबकि राजाओं के पुत्र होकर भी ये कार्य नहीं कर सके, उनके आकर्षण में नहीं आ सके, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने अपने क्षण तक हिंदू धर्म की स्थापना करे और किसी मुगल या किसी और एक लोगों की यह सत्ता या अधिकार नहीं हुआ या उनका यह धैर्य नहीं हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज को मारे। उनके ऊपर गुरु कृपा थी, उनके ऊपर गुरु दीक्षा थी, उनके ऊपर सामूहिक दीक्षा थी, उनके ऊपर अमृताभिषेक दीक्षा थी। क्योंकि ये सारी चीजें थोड़े रहस्यमय रहे, जिनको क्या क्रिया करने से शिवाजी महाराज के प्रति सैनिक इतने आकर्षित हुए या सैनिक उनके ऊपर मर मिटने की तैयारी लिखते थे या राज्य स्थापना में लोग उनके एक बात के लिए लोग उनके पीछे जाते थे, ऐसा क्या आकर्षण था? कैसा आकर्षण निर्माण हुआ? कभी आपने सोचा? उनके जमाने में कहते हैं कि ये तो उतने ऊंचे तगड़े हो गए नहीं थे, छोटे थे, जो मुगल राजाओं के सामने मुगल सैनिकों के सामने छोटे छोटे छोटा और कद छोटा था इनका। ऐसे लोगों के सामने उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और अपनी वीरता के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक महान योद्धा महान छत्रपति महाराजा कहलाए। तो इनके पीछे कौन सी शिक्षा थी, कौन सा विधान था? आज हमारे पास भी एक राजा हैं श्री कृष्ण देव राय। उनके जमाने भी यवनों का आगमन हुआ, यवन उनके जमाने में भी काम करते थे और उस श्री कृष्ण देवराय के राज्य के स्थापना के पीछे जिनका नाम था वो थे विद्यारण्य, स्वामी विद्यारण्य जो हम्पी के पीठाधिपति हैं। उनके बारे में कहानी कही जाती है कि वे भी त्रस्त हो गए थे उन आचार्यों को देखकर कि जो हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर रहे थे, और उनको ये लगता था कि एक सशक्त राजा क्षत्रिय राजा हमें चाहिए और उसकी स्थापना जब तक नहीं होती तब तक हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होगी। वे ढूंढते थे, उनको ये लगा कि हमें क्या करने से मैं एक सशक्त राज्य की स्थापना कर सकता हूं। वे कहीं यहीं से चलते हुए कहते हैं कि उनका गांव कहीं वरंगल, हमारा जो आजकल वरंगल है वहां था, वहां से वे चलते निकले इस खोज में कि मैं एक अच्छे राज्य की स्थापना करूं। वे चलते चलते सुभद्रा नदी के किनारे जहां पूरे पत्थर है, कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी जगह से गुजर रहे थे तो देखा क्या कि थोड़े से खरगोश एक कोयले के पीछे भाग रहे थे, चार पांच खरगोश। जबकि कोयला का मतलब होता है तेलुगु में नक्का कहते हैं या फॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, तो वो असल खरगोशों को खा लेता है। लेकिन उन्होंने एक विचित्र स्थिति देखी वहां उस जगह कि चार पांच खरगोश मिलकर उस कोयले को उस फॉक्स को भगा रहे जो खरगोशों को खाने वाली क्रिया है। ये देखकर उनके दिल में एकदम एक विचार आया कि यहाँ अगर मैं साम्राज्य की स्थापना करता हूँ तो वीक यानी एक असमर्थ व्यक्ति भी कमजोर आदमी भी यहाँ श्रेष्ठ राज्य की स्थापना कर सकता है। उन्होंने उस क्षेत्र का निर्णय किया कि उनकी वेदवत्ता थी और उन्होंने वहाँ राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया जो पत्थरों में थी, वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं थी। आज भी अगर तुंगभद्रा नदी के किनारे जाओ तो वहाँ आज भी पत्थर ही पत्थर पड़े थे। वहां गए और उन्होंने एक निर्णय लिया बिना राजा के, राजा नहीं था, प्रजा नहीं थी और उनका संकल्प था कि मैं यह राज्य की स्थापना करूंगा।
ऐसे विद्या नहीं। वहां गए और उन्होंने सिर्फ गांव वालों को बुलाया एक दोनों और कहा कि मैं यहाँ एक राज्य की स्थापना करता हूँ। तो बोले राजा, राज्य की स्थापना, राजा कहाँ है, राजा आ जाए। ये उनका संकल्प था, ये उनकी श्रेष्ठता थी। और उन्होंने कहा, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कहा कि ऊपर एक शिवजी का मंदिर है, मैं इस उस शिवजी के मंदिर में जब मैं घंटा घंटा का नाद या शंखनाद करूं तब तुम इस मैं जहां जहां की स्थापना कहता हूं, जहां उन खरगोशों ने उस इसको भगाया था, होली को भगाया था या फॉक्स को भगाया था, तुम उस जगह एक नारियल फूल की स्थापना कर देना, मैं वहां राज्य की स्थापना करूंगा। सब लोग हंस रहे थे, एक जंगली ब्राह्मण कोई राजा नहीं और राज्य की स्थापना करने निकला, किसकी स्थापना करेगा, क्या करेगा, यार कोई राजा ही नहीं। लेकिन ये उनका दृढ़ संकल्प था। वे गए और कहा मैं यहाँ राज्य जिस मुहूर्त में राज्य की स्थापना कर रहा हूँ, अगर यहाँ राज्य की स्थापना हुई तो चिरकाल तक यहाँ वो राज्य राज्य का काम करेगा। वो गए और पहाड़ पर बैठे और कहा कि मैं जब शंखनाद करूं और जब घंटा बजाऊं तब तुम मुहूर्त कर देना, उस मुहूर्त की स्थापना करना जहां वो जंगल में खरगोश भाग रहे थे, जिसको नीचे रखे थे। वो एक अनाड़ी आदमी था जो गांव में जाने वाला, उसको कहा कि सिर्फ नारियल फोड़ देना और थोड़ी सी जमीन छोड़ देना, मैं बाकी का काम मैं संभाल लेता हूँ। वो शिवजी के मंदिर में बैठ गए और इस साम्राज्य से दीक्षा का अपने ऊपर शिवजी के ऊपर जल चढ़ाकर अपने ऊपर जल लेकर बैठ गए कि वो मुहूर्त श्रेष्ठ है। और उन्होंने एक कलश की स्थापना की, बोले मैं इस कलश की स्थापना के बाद राजा को ढूंढूंगा। जैसा हम कहते हैं कि आजकल के जमाने में कहा जाए तो हेलमेट पहले खरीदे बाद में स्कूटर, ऐसी स्थिति पहले क्रेट बाद में राजा, ऐसे मुहूर्त उन्होंने मुहूर्त निर्णय किया और कहा कि मैं इस यहाँ राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। वो सुबह का 4:35 या 4 इस ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना करना चाह रहे थे। और वे उसने उस गांव वाले को कहा था कि जब शंखनाद हो और घंटा बजे तू वहाँ उस मुहूर्त में तू उसकी स्थापना कर देना या उस जमीन को खोदना। शंखनाद हुआ, घंटी बजी, उसने खट के साथ सब खोदा और घंटा बजा दिया। फिर दूसरी बार शंखनाद हुआ और घंटा हुआ, ये कंफ्यूज हो गया कि मैंने पहले जो स्थापना की और ये दूसरी स्थापना में हुआ क्या। तो उस जमाने में लिंगायत जंगम हुआ करते थे और सुबह उठकर ही शंखनाद करके घंटी बजाते भिक्षा मांगने जाते थे। उस दिन गांव में उस शंखनाद करते हुए उस जंगम ने घंटा बजा और शंख उसके कम से कम 5 मिनट के बाद ये घंटा बजा। तब उसने कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्या कि मैंने शंखना सुहा और शंखना एक यहाँ का भिक्षा नदी जंगम कर रहा था। तो विद्यानंद ने अपने माथे को हाथ लगाया था, मैं चिरकाल स्थापित करने वाले विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कर रहा था, अब ये 450 साल से ज्यादा नहीं का इतना ही राज्य स्थापना होगा, लेकिन राज्य की स्थापना होगी ये बात उन्होंने कही। इसके बाद वे वहां से कलश का जल लेकर आए और राजा को ढूंढने लगे कि मैं किसको राजा बनाऊं। और उन्होंने एक सामान्य व्यक्तित्व लेकर यही जल का अभिषेक अमृताभिषेक करते हुए कहा कि मैं यहाँ राज्य खोद रहा हूँ, तो यहाँ का राजा बनेगा। और उसको धनुर्विद्या या खड्ग विद्या सिखाई और उनको महान किया। आज भी आप सभी को नहीं मालूम कि खड्ग उस जमाने में जिसके घर में सिद्ध खड्ग होता था, खड्ग की सिद्धि होती थी खड्ग तैयार करने के लिए, और आज भी क्षत्रिया हैं तो बहुत सारे लोगों के घर में आज भी हम माता के हाथ में खड्ग देखते हैं। ऐसा कौन सा खड्ग जिसके घर में सिद्ध किया हुआ खड्ग हो, जिस स्तोत्र को आप खड्गमाला स्तोत्र के नाम से जानते हैं, ऐसे खड्ग को किस तरह बनाया जाता है और किस तरह सिद्ध किया जाता है, और उसको भी इसी जल से उस खड्ग को सिद्ध करके रखा जाए। तो कहते हैं कि जिस जब तक उसके हाथ में खड्ग हो उसको कोई राजा कोई दूसरा शत्रु उसको मार नहीं सकता, ऐसा खड्ग हम तैयार कर सकते हैं। कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है कि महाकाल संहिता के अनुसार मैं भी एक आने वाले पीढ़ी के लिए मेरे निजी चेतना के अंदर ऐसा एक खंड तैयार करके रखूं कि जहां से राजा उसको ऐसा लोह चाहिए, ऐसा अभिषेक चाहिए, और वो खड्ग जहां स्थापित होगा वहां साम्राज्य स्थापित होगा ही होगा, जहां वो खड्ग होगा वहां राजा होगा ही होगा।
आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए, वेद जानने वाले ब्राह्मण बैठे हुए, लेकिन उन ब्राह्मणों में और इनमें क्या फर्क था? जो चाणक्य अपनी शिखा को खोलकर एक सामान्य मनुष्य को राजा बना सकता है, और आज हम वेद सीखने वाले ब्राह्मण भी खुद तो आचार्य नहीं बन सकते, न राजा के पास जा सकते हैं, न हम शिक्षा पात्र लेकर राजा के पास जा सकते हैं। लेकिन उन ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठता थी, वो मामूली आदमी को भी राजा बना सकते हैं, और जिसको खटके करके देते थे वो राजा बनता ही था। इसलिए राजा उन ब्राह्मणों की पूजा करते थे। अगर ब्राह्मण की समुदायिक दीक्षा को या इस साम्राज्य की दीक्षा को जानता था, आज भी अपने को खड्ग बनाने का लोहा कहाँ मिलता है, वो उस वो लोहा कौन सा है जिसका ज्ञान है। एक खड्ग बनाने के लिए एक राजा को 6 महीने लगते थे। किस मुहूर्त में उसको कितना रंगा जाए और उसके ऊपर कौन से जल से अभिषेक किया जाए, यह ज्ञान वो जानता था। और जब वो खड्ग तैयार हो जाता था, सामान्य मनुष्य भी राजा बन जाता। आज भी बहुत सारे राज्यों में अगर आप देखते हैं, बहुत सारे घरों में क्षेत्रों में बाद में यह जब हमारा राज्य आया तो लोगों ने उन खड्गों को लेकर पौड़ी में डाल दिया गया, कुएं में डाल दिया गया, राजाओं को सताने लगे, इंग्लिशों ने जो बंदूक आए बंदूकें आई तो इन सभी को डाल दिया गया। लेकिन आज भी खड्ग की पूजा नवरात्रि में होती है, बहुत सी खड्ग की पूजा। आज हमारे में वो खड्ग कहाँ है जो विद्वान और धैर्यवान खड्ग था, और जहाँ वो खड्ग रहता था वहाँ उस घर का आदमी निश्चित रूप से राज्य करता था और साम्राज्यवान बनता था उस खड्ग की पूजा। और एक ब्राह्मण या आचार्य या विद्वान चाहे कितना भी, अगर वो उस विद्या को जानता है, वो किसी भी तरह की विद्या को जानता है, तो उसको राजा बनाने की छोटा नहीं। आपको बताएं, हर्षवर्धन नाम के एक राजा हुए हमारे पास, जो अवंती नगर के बहुत सारे से उनका युग स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। वो एक बहुत ही कुली एक छोटे से जाति के जाति से बढ़कर आगे आए, और उनको कहा गया था कि उनको राज्य का राज्य सम्राट बनाने की इच्छा रखने वाले उनके आचार्य, उन्होंने कहा कि पहले आचार्य तुम ये बताओ कि तुम कैसे सिद्ध हो। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि आचार्य को सिद्धि किस प्रकार से की जाती है। आज यह विद्या लुप्त सी हो गई, खराब हो गई, लोग यानी गायब हो गई, किसी को नहीं मालूम। हमारे पास बहुत सारी काली की विद्या है, कोई जानने के काली की विद्या को जानते हैं, जो काल के खंड को जानने वाले को काली की विद्या कहा गया, महाकाल को, काल को जानने वाले और काली की विद्या को जानने वाले। आज हम काली कवच पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम मेरा शरीर में ये भाव को आकर मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन क्या तुम्हारी कैसे काली रक्षा करेंगे, क्या तुम्हारी पुकार काली सुन रही है? काली सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका एक विधान है जो आचार्य श्रेष्ठ है। इस विद्या को आज तक गुप्त रखा गया, गुप्त था, गुप्त है, और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि यह विद्या है। एक ब्राह्मण आज के दिन जो वर्ष का आखिर दिन होता था, जिस मेंढक के ऊपर पीला मेंढक और उसके ऊपर 3 रेखाएं खींची हुई हो, उस मेंढक को अपने पास वो ब्राह्मण ला लेकर उसको एक मटके में बंद करके रखता था। जो मटका खाली हो उसको मंत्र से अभिषेक करके अभिषेक करते हुए उस मटके में थोड़ा सा पारद डाल देता था, पारद यानी मर्क्यूरी, उसमें जल का एक कण भी नहीं रखता था, और उस मटके को बांध देता था। बांध कर उस मटके को ले जाकर एक बहते नदी के नीचे गड्ढा खोदकर उस मटके को बंद करता था, उसमें जल का कट नहीं जाता था क्योंकि ऊपर से नदी का प्रवाह हो जाता था। ऐसा उस मटके को 6 महीने उसमें रखता था और नित्य वहां जाकर एक विशिष्ट मंत्र को, प्रिय काली के मंत्र को, श्रेष्ठ काली के मंत्र को वहां मंत्र जप करके रोज आता था। 6 महीने के बाद उस मटके को बाहर निकालकर बाहर लाने के बाद ये लिखता था कि उस मेंढक को भूख लगने के बाद उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, वो पारद खा जाता था। जो पारद अंदर डाला वो पारद खाने के बाद उसको सूर्य रश्मि में थोड़े दिन मटके को रखने के बाद उसके अंदर पंच पल्लवों से आम के पत्तों का रस रोज करके थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दिया करता था। ऐसे पंच पल्लवों का रस डालते डालते उसको 40 दिन उस मेंढक को उस थोड़ा थोड़ा रस निकल देता था।
उसके बाद फिर अभिमंत्रित करता था उस घड़े को, अभिमंत्रित करने के बाद उसे बाहर निकालकर उसमें रसों को भरने के बाद में शहद उसमें थोड़ा सा शहद डाल देता था। ऐसा एक क्रिया 18 महीनों की क्रिया, 18 महीनों की क्रिया के बाद उस मटके से उस मेंढक को बाहर निकालकर उसको औंधा सुलाकर उसके पेट को दबाता, पेट को दबाने के बाद वो जो बारा खाया हुआ होता था वो बारा उल्टी करके बाहर निकल जाता था और वो गुटिका के रूप में रहता था। उस गुटिका को गुहिया काली और मंत्रकाली के मंत्र माध्यम से जो आज आप पुरुष सूक्त बोलते हैं, जो आज आप श्री सूक्त बोलते हैं और जो आप उसके बाद रुद्र का मंत्र बोलते हैं, देवी अंतरिक्ष के मंत्र को बोलते हैं, इन मंत्रों से उस गुटिका को सिद्ध कर रहा था और वो खेचर विद्या में अपने शिखा में बांधता था। तो अगर जल में जाता तो जल बन जाता था, वायु में जाता तो वायु बन जाता, आकाश में विद्या प्राप्त करता था। यह विद्या अलुप्त हो गई, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा होती, इसलिए शिव सूक्त का पाठ से ख्याल आया, इसलिए ब्राह्मण सोना बनाने की क्रिया करता था। आज भी विद्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि गुरु मंत्र के लिए मेरे सारे छात्र ब्राह्मण है और वो इस विद्या पर जाने और करें, आने वाला समाज हमारे ऊपर देखे ये विद्या आज भी जीवन है, हम कर सकते। मुझे ऐसे शिष्य मिलते नहीं, पहले तो उनको समय नहीं मेरे पास आने के लिए, समय है तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, उनके कामों में भी उनकी बीवी पत्नी बच्चे नौकरी ये है। कोई एक शिष्य को चाहता हूँ कि वो समर्पण स्थिति के साथ आ जाए, वो यहाँ मेरे पास भी आ गए तो एक दिन खाना नहीं मिला तो दूसरे दिन मेरे पास कंप्लेंट लेके आएंगे कि गुरु जी मुझे खाना नहीं मिला। ऐसे शिष्य से कार्य नहीं होता, कार्य तो वो शिष्य जो होता है गुरु पुकारा और मैं चला गया, मैं खाना खाया, मैं सूख गया, मैं मरा, मैं जिंदा, फिर उसने मेरे को केवल गुरु कार्य करना है। अगर उसे मैं श्रेष्ठ शिष्य नहीं बनाया तो कहना मैं गलत हूँ। क्या आज ये विद्या है, इस विद्या की जानकारी कौन रखता है? अगर एक गुटिका बनती है तुम असमर्थ भी हो, तुम एक जगह पड़े भी हो, तुम्हारा शरीर में सूख गया है, केवल उस गुटिका को लेकर तुम शिखा में बांध लो, तुम आज होगे नहीं, ट्रंप से भी आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे समाज देखेगा, तुम्हारा समाज देवता देखेगा। यह दीक्षा ये विधान आपके लिए ऐसा लगता होगा कि गुरु जी क्या करें, इससे क्या होगा, पानी छिड़कने से क्या होगा। कल हमारे रामानंद जी कह रहे थे मुझे, गुरु आप देने के तैयार हैं लेकिन क्या हमारे में वो योग्यता है हम ले सकते हैं? मैंने कहा मैं मुझे अपने गुरु बनाया है और यहाँ बिठाया है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको ज्ञान दूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं वो शिक्षा वो अनुभव में दूँ, अब कुछ बचा सकते हो नहीं बचा सकते तुम्हारी बात। मैं ये चाहता हूँ कि इन हजार लोगों में अगर एक भी आदमी एक भी शिष्य बनता है तो सारे संसार को बदल के रखते हैं। मेरा प्रयत्न मेरे पास समर्पण के साथ 40 दिन देने के लिए तैयार नहीं हमारे शिष्य महाराज, जिंदगी भर बोलता रहा कि 40 दिन मेरे साथ हो, उनको समय नहीं मिलता। अब उनको ही नहीं मिलता तो दूसरों की बात क्या है, बताओ। है मेरे पास यहाँ आश्रम में बहुत सारे शिष्य हैं, उनको रोज से इसमें नहीं मिलता कि मुझे आज खाना क्या बनाए, वो काम कर रहा है ये मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक घंटे बजाने नहीं है, मेरे इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं घंटे बजा के जाता हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। काम तो वो चलता है कि गुरु के द्वार के सामने खड़ा हो, गुरु की पुकार के लिए इंतजार करे, गुरु क्या कहेंगे, गुरु के खाने के बाद खाए, गुरु सोने के बाद सोए। गुरु जी कहा करते थे एक विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु जी केवल 3 घंटे सोते थे, एक विद्या प्राप्त करने के लिए। ऐसे शिष्य थे सदगुरु के सामने निकले स्वामी जी और हमें आज विद्या उसकी विद्याएं प्राप्त कर हमारे सामने इन चीजों को ला सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, काम कला काली, यह है काली जिसको हनुमान जी, दुर्वासा महर्षि दुर्वासा, रावण इत्यादि लोगों ने इस विद्या को ग्रहण किया जिसे त्रैलोक्य आकर्षण विद्या कहते हैं। एक श्रेष्ठ मंत्र है, इसमें स्वयं गुरु जी कहते हैं और सारे सप्तऋषियों ने कहा है, सप्तऋषियों ने कहा है कि जो इसकी साधना करता है अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस साधना को करता है तो कहते हैं कि यह एक अत्यंत गुप्त मंत्र है, इसमें त्रैलोक्य आकर्षण मंत्र मुख्य है। यह मंत्र 18 अक्षरों वाला है, इस मंत्र के स्मरण मात्र से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, देवता मूर्छित होकर कांपते हुए साधक के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। इस मंत्र को बोलने से
देवता मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है और सारे के सामने कांपते हुए खड़े होते हैं कि तू क्या बोलेगा, मैं ये क्या कर रहा है ये बता दे। ऐसा मंत्र प्रार्थना वाला मंत्र है, क्या आप जानते हैं कैसा मंत्र है? ऐसा मंत्र किस तरह आएगा और हम इस मंत्र को किस तरह सिद्ध करेंगे? सिद्धि का विधान क्या है? कोई बतलाने वाला है या कोई शिष्य करने वाला है? हम जानते हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, रावण कह रहा है, दुर्वासा मामुनी कह रहे हैं, सप्तऋषि कह रहे हैं, स्वयं देवता कह रहे हैं कि जो इस मंत्र का साधक है हम सारे देवता उसके सामने गड़गड़ाते खड़े रहते हैं कि वो कब क्या करेगा, अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो हमारे को श्राप दे देगा। इतना इतने दिव्य मंत्र, इतनी दिव्य क्रियाएं हमारे पास है और इस क्रियाओं के लिए गुरु के पास से इस दीक्षा को लेना होता है जिसे हम सभी दीक्षा का। वे साधक के साथ सेवक का व्यवहार करते हैं, देवता उसकी सेवक सेवक बनकर नौकर बनकर उसके घर के सामने खड़े होते हैं जो इसकी साधना करता है, जिस विद्या को प्राप्त करता है, जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होता है, जो अपने गुरु की गुरु से हर वर्ष एक श्रेष्ठ अभिषेक लेता है, उसके आखिरी अभिषेक को श्रेष्ठ अभिषेक को कहा गया है कि सम्राट इस संसार में साम्राज्य अभिषेक दीक्षा के बाद मुक्ति साधना की दीक्षा, जिसे संन्यास दीक्षा के ऊपर भी कहा गया, जिसको परा दीक्षा का कहते हैं। इस परा दीक्षा को जो लेता है वो उसके सामने देवता खड़े होते हैं, तुम क्या करोगे, और कहते हैं कि अगर उसके वीर्य हो, उसके किसी पत्नी के साथ उसने अपनी किसी स्त्री के साथ अगर उसने शादी कर ली या उसके साथ उसने भोग किया तो उस स्त्री के कर्म में देवता बनकर उपस्थित होते हैं। आपके सामने उदाहरण है पराशर का भाष्य, पराशर इतने महान विद्वान थे, हनुमान जी के चरित्र को लिखने वाले महान विद्वान वेत्ता, उनको मूर्छा का ज्ञान था, आप जानते हैं। और वे एक बार एक नदी को पार करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि यह मुहूर्त में अगर कोई स्त्री गर्भधारण करती है तो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को साक्षात विष्णु के अंश को जन्म देगी। अब उनको उस जंगल में उस नदी के किनारे कौन स्त्री मिलेगी? देखते हैं कि उस समय एक नाव चलाने वाला वहां खड़ा था और